क्या आपको पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा क्रैम्पी मूवमेंट्स होते हैं, आपको लगता है पॉटी आएगी, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, आपको इतना दर्द होता है कि आप 2 दिन के लिए ऑफिस की छुट्टी ले लेते हैं, घर के काम नहीं कर पाते, इतनी टैबलेट्स खाते हैं उसके बाद भी दर्द ठीक नहीं होता, या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, कुछ लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं, भले ही ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो लेकिन वीकनेस बहुत लगती है, या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ करने का दिल नहीं करता, रोने का दिल करता है, डिप्रेशन होता है, या फिर आपके पीरियड्स इररेगुलर हैं, डॉक्टर ने आपको मेडिसिंस दी, हार्मोन टैबलेट्स दी, आपने ली, जब तक आप टैबलेट लेते हो आपको पीरियड्स सही आते हैं, टैबलेट्स बंद करने के बाद वापस गड़बड़ हो जाता है, कब तक टैबलेट्स लेंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इवन जैसे मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, 22 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है कि आपको अल्टीमेटली कब तक टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी। हम पेशेंट को समझाते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, दर्द कम हो जाएगा, तुम थोड़ी वीक हो, वीकनेस है, थोड़ा सा बॉडी में इम्यूनिटी आएगी, बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, साथ ही आपको आदत पड़ेगी कि हर महीने पीरियड आता है, तो उस दर्द को सहने की आपकी शक्ति बढ़ेगी, तो धीरे धीरे पेन कम हो जाएगा, राइट। इसी तरह से जो इररेगुलर पीरियड्स के पेशेंट हैं, PCOD के पेशेंट्स हैं, उनको हम 21 डेज की पिल्स देते हैं, उसके बाद भी बहुत सी पेशेंट्स हैं जो 6 महीने 8 महीने बाद वापस आती हैं। 3 महीने से ज़्यादा का साइकिल हम लोग नॉर्मली नहीं देते, किसी किसी यंग लड़की में जो अनमैरिड है या फिर मैरिज के बाद जिनको बच्चे नहीं चाहिए उनको हम थोड़ी लंबी साइकिल के लिए देते हैं, 1 साल के लिए भी देते हैं, लेकिन जनरली कोई भी पेशेंट वापस डॉक्टर के पास टैबलेट्स लेने बहुत दिनों तक नहीं आता, साल भर तक मैक्सिमम 1.5 साल 2 साल, उसके बाद वो भी थक जाते हैं कि आखिर कब तक टैबलेट्स लेंगे, और डॉक्टर भी थक जाते हैं ये बता के कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, हम क्या करें। जब तक आपके हार्मोन की डिस्टर्बेंस नहीं ठीक होगी, और हार्मोन की डिस्टर्बेंस आपके ब्रेन से शुरू होती, तो उसको ठीक करने का हार्मोन्स के अलावा कोई तरीका नहीं है। अब आपको याद हो मेरा एक पहले वीडियो आया था आयुर्वेदिक सिरप, नम्या का आयुर्वेदिक सिरप अनारतवा, उसकी सारी खूबियाँ मैंने आपको बताई थी कि उसमें कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं और वो क्या काम करती हैं। तो आइए उसको आज वापस से हम रिकैपिचुलेट करते हैं कि आखिर हमारी बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस हैं जिनको ये जड़ी बूटियाँ जड़ से निकाल के लंबे टाइम तक के लिए ठीक कर देती हैं। जब आपको पीरियड्स नहीं आते तो आपके घर में जो दादी नानी है वो आपको क्या देती हैं, कोई पपीते का जूस देता है, कोई पपीता काट के खिलाता है, कोई पाइनएप्पल देता है, कोई आपको काढ़ा बना के देते हैं जिसमें दालचीनी डालते हैं और अदरक डालते हैं और हल्दी डालते हैं, तरह तरह के नुस्खे हैं, दादी नानियों के तरह तरह के नुस्खे हैं। आखिरकार ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये सब है तो जड़ी बूटियाँ ही, ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करती हैं, आपके ब्लड के अंदर जो गंदगी है उसको निकालती हैं, ये आपके डाइजेशन प्रॉब्लम्स को ठीक करती हैं, क्योंकि अगर आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम है यानी कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो आपका पेन जो पीरियड्स के समय जो प्रोस्टाग्लैंडिंस जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो ज़्यादा रिलीज होंगे और आपका पेन बढ़ जाएगा। आप ध्यान रखिएगा जब जब आपके पेट में गैस होगी या अगर आप गैस के पेशेंट हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको पीरियड्स के समय पेन ज़्यादा होगा। आप ध्यान रखिए जिन लेडीज़ को गैस की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस होती है, कब्जी रहती है और इन जनरल वो गैस से परेशान रहती है, इनडाइजेशन होता है, उनको पीरियड्स के समय पेन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वो लेडीज़ जो एक्टिव हैं, जिनको बिल्कुल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है, जो एक्सरसाइजेज भी करती हैं, योगा भी करती हैं, उनके कंपैरिजन में जो सिडेंट्री लेडीज़ हैं जो ज़्यादा काम नहीं करती और गैस की प्रॉब्लम से परेशान रहती हैं, उनको क्रैम्प्स ज़्यादा आते हैं। तो ये जितनी भी मैंने अभी जड़ी बूटियाँ बताई आपको, ये सारी की सारी आपके पेट को साफ करने में हेल्प करती हैं और आपके ब्लड को प्योरीफाई करती हैं। आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है ये बेसिकली आपके जो अंदर पित्त दोष है उसको ठीक करने में हेल्प करती है। सो बेसिकली क्या करती है, आपके सारे ऑर्गन्स पे एक्ट करती है, आपकी ब्रेन में जो मेमोरी पावर है उसको बढ़ाती है, वहीं से ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिंस रिलीज होते हैं, वहीं से सारी केमिकल्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उसको ठीक करती है, आपके हार्ट में जो सर्कुलेशन पावर है जो पंपिंग पावर है उसको बढ़ाती है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करती है, आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको ठीक करती है, आपके डाइजेशन प्रॉब्लम्स जो आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस होते हैं बॉडी में जो एसेंशियल बैक्टीरिया होते हैं उसको रीस्टोर करती है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को इन जनरल बढ़ाती है। सो बेसिकली एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी हेलमिंथिक होती है, पेट के कीड़े साफ करती है, साथ ही आपके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट्स का काम करती है। इसीलिए कहते हैं बाबा आदम के ज़माने से जड़ी बूटियाँ लोग पीस पीस के खाते थे और बिल्कुल हेल्दी रहते थे, और अभी जो इतनी बीमारियाँ बढ़ गई हैं वो इसीलिए बढ़ गई हैं क्योंकि हर चीज़ में केमिकल्स आ गए, पॉइजन्स आ गए, प्रिजर्वेटिव्स आ गए फूड में, और हम लोग अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब आप आ जाएं वापस से पीरियड्स पे। अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको हार्मोन्स लेने पड़ेंगे, बट अगर ये ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हार्मोन्स लेने के बाद बंद करने के बाद वापस हो रही है तो इसका अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म इलाज क्या है। ये वो प्रोडक्ट है नम्या का
अनारतवा, जिसमें कि तरह तरह की जड़ी बूटियाँ हैं। अगर मैं मेन मेन नाम बताऊँ तो इसमें हल्दी है, इसमें लाल चंदन है, ठीक है, इसमें अशोका है, अर्जुन और अश्वगंधा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी बताया। सारी तरह की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं बॉडी की, आपकी बॉडी की गर्मी को निकालेंगी, आपका डाइजेशन बेटर करेंगी, आपके ब्रेन पे इफेक्ट होगा तो आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं वो कम करेंगी और आपको इन जनरल एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएंगी। हमारी बाबा आदम के ज़माने की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो सारी की सारी इस सिरप नमिया अनारतवा में शामिल है, और ये बहुत ही वंडरफुल सिरप है उन लेडीज़ के लिए जिनको पीरियड्स प्रॉब्लम है। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो मेरे पास आती हैं कि मैडम पीरियड्स खुल के नहीं आते, एक या दो दिन में ख़त्म हो जाते हैं, एक पैड दो पैड में पूरा पीरियड ख़त्म हो जाता है। उनको हम क्या देते हैं? उनको देने के लिए हमारे पास आयुर्वेदिक सिरप के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली आपके हॉर्मोन्स पे एक्ट करता है, आपकी ओवुलेशन प्रॉब्लम्स ठीक करता है, आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो को ठीक करता है। बच्चेदानी के अंदर अगर ब्लड फ्लो सही जाएगा तो अंदर की लाइनिंग सही बनेगी, आपकी बॉडी की गर्मी को निकालेगा तो ब्लड फ्लो भी प्रॉपर रेड कलर का आएगा। नहीं तो कई लोग, बहुत सारी लेडीज़ बोलती हैं मेरे को एकदम ब्लैकिश फ्लो आता है, दर्द होता है और बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, ये सब हॉर्मोन्स की गड़बड़ है। अंदर बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने देखा ना योगा किस तरह से लोगों को क्योर करता है, इसी तरह से योगा के साथ अगर आप आयुर्वेदिक सिरप्स को साथ में लेके चले, जिसमें कि कोई केमिकल नहीं है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, सिंपली जड़ी बूटियां हैं, तो ये सब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ आपकी बॉडी में जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करते हैं और आपकी बॉडी के जितने टॉक्सिन्स हैं धीरे धीरे उनको निकाल देते हैं। सो बेसिकली अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट कुछ समय के बाद डॉक्टर बंद कर देते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन भी है तो भी इन्फेक्शन 14 दिन से 15 दिन से एक महीने तक मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोई दवाई नहीं देता है। उसके बाद आपको मेंटेनेंस के लिए ये सिरप लेना होता है, क्योंकि आपके अंदर जो भी अंदर प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको पूरी तरह से जड़ से ठीक करने के लिए आयुर्वेदा सबसे ज़्यादा काम आता है। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा आयुर्वेदा में विश्वास करती हूँ जब बीमारियों को जड़ से निकालना होता है। तो इररेगुलर पीरियड्स, पीरियड्स का कम आना, पीरियड्स का अनियमित होना, पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना, या फिर पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना, उन सब के लिए ये सिरप बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही में ओवुलेशन प्रॉब्लम्स और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स में भी आयुर्वेदिक सिरप का बहुत अच्छा रोल है। लास्ट चीज़ एक चीज़ बता दूँ कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस्ड आउट हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर शादी के बाद पैसा कमाना, जॉब टेंशंस एंड पोल्यूशन, और शादी के बाद तो ऑब्वियसली और भी बहुत सारी टेंशंस होती हैं। सो इट इज़ अ वर्ल्ड फुल ऑफ टेंशन। तो टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपका जो ब्रेन है वो ठीक से काम नहीं करता, आप पूरे टाइम परेशान रहते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मूड चेंजेस, एंगर और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। तो ये जो एक प्रोडक्ट मैंने आपको बताया अनारतवा, इसमें जटामसी है। जटामसी आपके ब्रेन पे एक्ट करता है, जो अंदर न्यूरॉन्स हैं उसको रिपेयर करता है, आपकी मेमोरी को शार्पन करता है, और इसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपको नींद अच्छी आती है, और इस वजह से आपको जो और प्रॉब्लम्स होती हैं पीरियड्स के समय हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से इरिटेशन, ये सारा कम होता है। मैं आप सबसे बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप ये सिरप ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा आयुर्वेदिक सिरप है जिसका कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, पूरी तरह से प्योरली जड़ी बूटियों से बना हुआ है, और सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि बच्चेदानी पे और बॉडी पे बहुत पॉजिटिव एक्ट करते हैं। अब आपकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी अलग होती है, किसी को 6 महीने, किसी को 8 महीने, किसी को 1 साल, धीरे धीरे रिजल्ट आता है, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, और बहुत ही ट्राइड एंड ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। आप इसको ट्राई करिए और धीरे धीरे मुझे बताइए कि कैसे कैसे आपको रिजल्ट आ रहा है। सो दैट्स इट गाइज, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, बाकी लोगों को भी पता चले कि ऐसे सिरप्स अवेलेबल हैं मार्केट में और क्या इनका फ़ायदा होता है, उनको भी पता चले, और मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्दी हाजिर होंगी।